हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल 100 सब्सक्राइबर्स। वी हैव कंप्लीटेड आवर 100 सब्सक्राइबर्स, सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज। सो अभी हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स का, सो जल्दी से यार 500 सब्सक्राइबर्स भी करवा दीजिए। और आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट, और अब से मैं कोशिश करूंगा आपके साथ जो है डेली डेली नहीं या फिर वीक में दो या दो से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके साथ शेयर करूं लाइव। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सीजीएल का मॉक टेस्ट। पहले हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाएंगे, लाइव मॉक टेस्ट, रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसमें देखिए हमारे पास 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मिनट्स रहेंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका भी सीजीएल का एग्जाम हो कमेंट में एक बार बता दीजिए, और यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। जो है हमारा 500 का टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। मुझे आशा है कि आप जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइबर्स करा देंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अभी हम।
दोस्तों, जो है एक दो क्वेश्चन हमारे स्किप हो गए हैं। स्कोर भी कुछ पास नहीं है। चलिए एक बार जल्दी से जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा गलत भी हो गया है, पहले एक बार देख लेते हैं जो गलत हुआ है। ओनली ए फ्यू स्टार आर कैट, ओनली ए फ्यू स्टार आर कैट। हम कैट आर अम्ब्रेला, हम कैट आर अम्ब्रेला, नो अम्ब्रेला इज ऑरेंज, नो अम्ब्रेला इज ऑरेंज। कंक्लूजन कहता है सम स्टार कैन बी अम्ब्रेला, तो सम स्टार कैन बी अम्ब्रेला। तो स्टार और अम्ब्रेला में तो कुछ रिलेशन तो नहीं है, लेकिन सम स्टार आर कैट और सम कैट आर अम्ब्रेला। सही है आई थिंक फर्स्ट को, उसके बाद सम कैट कैन बी ऑरेंज, सम कैट कैन बी ऑरेंज। जो जो कैट अम्ब्रेला नहीं है, रिमेनिंग पार्ट वो ऑरेंज हो सकती है। इसमें आई थिंक या तो दोनों फॉलोइंग हुआ। बिल्कुल दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो है सम पार्ट जो बोला है, जो कि कैट नहीं है, वो तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है कैट का, जो वो ऑरेंज हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक ये क्वेश्चन चलिए कर देते हैं इसको। डेट का कोड, मंथ का कोड मे है, तो ये आएगा हमारा जाएगा मे का कोड। तो 2019 के लिए -1 कर देंगे, 4 से डिवाइड करके फिर क्वोशेंट 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर। स्टार हमारा बचा है तो ये हमारा आएगा मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे है ये, तो वेडनेसडे से ये एक ज्यादा है, तो 12 + 2 - 1 और 0, 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा हमारा, 2 2 4 जो 6 हमारा बच रहा है दोस्तों। 1 2 3 4 5 सैटरडे, सैटरडे आएगा, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो है एक आगे जो से ओके वेडनेसडे से एक नेक्स्ट आ रहा है हमारा, तो जो भी हमारा आ रहा है इसके अकॉर्डिंग उससे सैटरडे के अकॉर्डिंग, या तो संडे होगा या फिर एक पहले वाला सैटरडे को फ्राइडे, फ्राइडे होगा आई थिंक। थर्सडे कैसे हो सकता है, एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। मे का कोड हमारा हो जाएगा 2, वन
या तो ईयर के लिए माइनस टू प्लस फोर से डिवाइड करके क्वेश्चन लास्ट के 2 डिजिट्स ऑफ 2019 को 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16 4% एंड रिमाइंडर हमारा 7 से डिवाइड करेंगे तो 19 को 5। सो ये हमारा आ जाएगा 4 ही बचेगा दोस्तों, वेडनेसडे थर्सडे 1 2 3 4 संडे से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 संडे से होगा, सॉरी काउंट संडे से काउंट करेंगे तो 4 पे वेडनेसडे आ रहा है, तो संडे से काउंट करेंगे तो 6 पे हमारा आएगा, 1 2 3 4 5 12 में, अच्छा सॉरी 12 में है, 10 में का कोड हमारा हो जाएगा 2, 4 से डिवाइड करेंगे 0, 7 से डिवाइड करेंगे 2, मई का कोड हमारा हो गया है -1, ये हमारा आएगा 2 2 4 -1 3, 15 15 को डिवाइड करेंगे 7 से 14, एक रिमाइंडर बचेगा हमारा तो 1 पे हमारा दोस्तों एक पे तो संडे है दोस्तों, लेकिन कैसे कर सकते हैं इसको, सही है 4 और डे बच रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा संडे से ही वेडनेसडे आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बाद में हम देखें कि 12 मई से अगर देखें हम तो 12 मई प्लस मई का कोड है तो माइनस का सॉरी मई का कोड 2 है और मई 2016 है तो -1 हो जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4% और 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, सही तो है दोस्तों। अच्छी बच रहा है यार, हाँ आ गया दोस्तों, सही है थर्सडे ही आएगा, संडे से 5 बच रहा है कोड, सो ये भी हमारा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था मुझे, चलिए अब हो गया है क्लियर, ये कैसे हमारा स्किप हो गया दोस्तों। देखिए 22 2% देखते हैं तो 5 इसमें प्लस और डिवाइड को अगर चेंज करेंगे, डिवाइड तो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है 27 से, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 27 2 29 से नहीं होगा ये कंप्लीट डिवाइड, ये नहीं होगा चेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज प्लस को चेंज करके देखते हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चला जाएगा, 405 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, फिर डिवाइड एंड माइनस प्लस एंड माइनस पर तो देखते हैं, 105 प्लस 27 डिवाइड बाई 40 -308 एंड मल्टीप्लाई 22, ये भी नहीं होगा दोस्तों, मुझे तो यही लग रहा है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वो कोई सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, 105 मल्टीप्लाई 27 प्लस 40 -22 80, 27 125 है, 27 चौके 108, ये काफी बड़ा ही चला रहे हैं लोग, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, सेकंड ही ऑप्शन शो कर रहा है, 27 से कंप्लीट डिवाइड दिखा रहा है 15 पे, क्योंकि 27
रियली सॉरी दोस्तों, मैं 27 2034 सोच रहा था, लेकिन वो 54 होता है। वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक हो जाती है दोस्तों कई बार। इसमें कोई लॉजिक मुझे तो मिला नहीं, आप ट्राई कीजिए। 8 5 और 1 3 8 4, तो इसमें -7 करती है, रिवर्स रिवर्स। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक -7 +3 +3 -7 +3 -7, इसमें कोई लॉजिक तो नहीं लगाया दोस्तों, लेकिन रैंडम कॉन्सोनेंट्स में से -7 किया है और वॉल्स में से +3 किया है। कॉन्सोनेंट -7 एंड वॉवल +3, सो काफी अच्छा लॉजिक है, ये आपको सेव कर लेना है दोस्तों। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जो है आपसे ये सिली मिस्टेक ना हो। सो आई होप दोस्तों सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। और जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, और जल्दी से हमारा 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है दोस्तों, सो प्लीज जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए। सो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू।